हेलो दोस्तों, आज हम प्रिंस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। साइज इसकी 32 इंच है चेस्ट की। तो मैंने इसका शोल्डर 6 इंच रखा है और आर्म होल मैंने 6 इंच रखा है इसमें, इस तरह से। और इसका एक बॉक्स बना देंगे, इसे हम राउंड शेप दे देंगे इस तरह से। गला इसमें हमने 2.5 इंच रखा है। सवा दो हम ऊपर रखेंगे और 2.5 इंच हम नीचे की तरफ रखेंगे। तो हम इसकी लेंथ रखी है 6 इंच। इस तरह से इसमें भी हम बॉक्स बना देंगे इस तरह से। अब तीरे को हम डाउन करेंगे 0.25 इंच। तो मैंने 0.5 इंच डाउन किया इसमें। अब चेस्ट हमारी 32 है तो हम 8 लेंगे इसमें। कमर 28 है। तो 7 ले लेंगे इस तरह से। हम इन दोनों पॉइंट को ज्वाइंट कर देंगे और 1.5 इंच हमने मार्जिन का रखा है। और 1.5 इंच हम यहां से भी नापेंगे। यहां भी इन दोनों पॉइंट को हम इस तरह से मिला देंगे। जब हम यहाँ आर्म होल काटेंगे तो इसे थोड़ा सा तिरछा इस तरह से ले लेंगे नीचे की तरफ। अब हम टास्क का निशान लगाएंगे। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। बेल्ट मैंने इसमें 2 इंच रखी है। 2 इंच हम यहां से भी नापेंगे। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइंट कर देंगे इस तरह से। यहां से हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे। और 3.5 यहां से लेंगे। अब इसे कर्व शेप देते हुए इस तरह से शेप देंगे। ये हमारी प्रिंस शेप की कटिंग है। फॉर्म तैयार हो गया। अब बेल्ट को हम 0.25 इंच इस तरह से उठाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे।
हम बैक बैक को हटाएंगे, बैक पार्ट को, और आधा पौना इंच हमारा आगे का फ्रंट का आर्म होल थोड़ा सा आगे अंदर की तरफ दबता है, तो हमें आधा इंच हमें दबाना है इसे इस तरह से। अब हम गले की कटिंग करेंगे। दोस्तों जब हम कपड़े पे काटेंगे इसे रखकर, इस ड्राप को रखकर हम कपड़े पे काटेंगे, तो हम आधा पौना इंच हम एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, यहाँ से यहाँ तक एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, और आर्म होल की तरफ हमें कोई कपड़ा नहीं लेना है, इसे इसी तरह ज्वाइंट करना है। बस हमें यहीं से यहाँ तक कपड़ा लेना है और यहाँ से यहाँ तक कपड़ा लेना है आधा पौना इंच, फिर हम इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि कपड़ा नहीं देंगे तो हमारा ये कटोरी छोटी हो जाएगी, तो इसलिए हमें इसमें कपड़ा लेना है। ये हमारी कटिंग हो गई, अब हम बैक की कटिंग करेंगे। तो मैंने इसमें 2.5 इंच रखा है गला, गले की चौड़ाई, और डीप रखी मैंने 5 इंच। इसे राउंड शेप इस तरह से गोल कर देंगे इस तरह से। ये हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग होगी तैयार। ये हमारी बेल्ट होगी ज्वाइंट, इसमें ये हमारी परफेक्ट कटिंग होगी।